मालवा की वैष्णो देवी भादवा माता में नवरात्रि पर लगने वाले मेले को लेकर विधायक कलेक्टर एसपी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। 9 दिन लगने वाले इस मेले को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह है। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात महामाया भादवा माता के दरबार में नवरात्रि मेला लगेगा। इस मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और भादवा माता संस्थान की एक संयुक्त बैठक भादवा माता में आयोजित की। कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मेले को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, साथ ही अनेक व्यवस्थाओं को देखा गया। इस अवसर पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि भादवा माता के मेले की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना काल के 2 साल निकलने के बाद अब मेला फिर से लगेगा। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस बात की खुशी जताई कि महामाया भादवा माता के दरबार में एक बार फिर मेला लगेगा। कोरोना काल की समाप्ति के बाद नवरात्रि में फिर से श्रद्धालु भादवा माता के दर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर एसपी सूरज वर्मा, एडीएम नेहा मीणा, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, तहसीलदार अजय हेंगे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में अर्जुन सिंह सिसोदिया, सांसद प्रतिनिधि महेश गुजर, आदित्य मालू, राकेश भारद्वाज, सरपंच लालाराम चौहान, नीलेश पाटीदार ने भी अपने विचार रखे। भादवा माता संस्थान की बैठक रखी गई थी नवरात्रि के पावन पर्व पर। यहाँ की व्यवस्था को चौक चौवन करने के लिए विभाग के सभी अधिकारी स्तर पर, लोकल स्तर पर जागरूकता और समाज सेवियों को बुलाके तो सारी व्यवस्थाओं का वितरण किया है। हम देखते हैं माँ भादवा माता का बहुत काम है और यहाँ की माँ की कृपा से जो लोग लकवा मार जाता है वो माँ के दरबार में 9 दिन रहते हैं, वो जो कंधे पर बैठ के आते हैं वो पैदल घर जाते हैं। ये माँ की ऐसी कृपा है और यहाँ मेले की व्यवस्था व्यवस्थित रहे, यहाँ आने जाने वाले को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, भोजन की, पानी की, इसके लिए अभी ट्यूबवेलकरण किया, पर्याप्त तो पानी की व्यवस्था है और अभी स्थान दोनों तरफ से आने जाने के लिए माँ के दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। पुनः सब लोगों से निवेदन है नवरात्रि के पावन पर आए और माँ के दरबार में मत्था टेक के सारी मनोकामना पूर्ण करें। नवरात्रि का ये पावन पर्व है और उत्साह और उमंग रहता है, इसलिए यहाँ व्यवस्थाएँ पूरी की गई, भोजन की व्यवस्था होगी और अन्य व्यवस्थाएँ भी की जाएंगी। आज भादवा माता जी की बैठक हुई थी, इसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित रहे और बाकी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि रहे हैं। और इसमें जो आगामी हमारा नवरात्र का त्यौहार रहेगा और मेला का आयोजन होगा उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया गया और इसमें संपूर्ण कोशिश ये की जा रही है कि जो आगंतुक आने वाले हैं उनके रुकने की और खाने भोजन की, रुकने और दर्शन की अच्छे से अच्छी सुलभ व्यवस्था हो सके और किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो।